नमस्कार, मैं पिंकी राठौर, केकेआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। भोपाल छोला थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शातिर वाहन चोर को छोला पुलिस द्वारा धर दबोच लिया गया है। आपको बता दें कि कल फरियादी द्वारा छोला पुलिस को बताया गया था कि उसका ट्रक भानपुर बाईपास से चोरी हो गया है, जिसमें लगभग 30 लाख माल भरा हुआ है। छोला प्रभारी द्वारा शत पथ कार्यवाही करते हुए दो टीमें गठित की गई, जिनके द्वारा आरोपी एवं ट्रक को इंदौर बाईपास से दरियापुर किया गया, जिसमें अहम भूमिका रही थाना प्रभारी उदयवीर सिंह सिसोदिया, एसआई राजेश तिवारी, एसआई अयोध्या प्रसाद यादव, रूपेश नर्रे, आरक्षक भरत शर्मा, आरक्षक धर्मेंद्र गुर्जर एवं मुकेश गुर्जर, जिनके द्वारा आरोपी एवं ट्रक को समय पर पकड़कर थाना छोला में लाया गया। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रिपोर्टर आदिल खान इस समय में मौजूद हूँ भोपाल के छोला थाना क्षेत्र में, जहाँ कल एक शिकायत की गई थी कि एक व्यक्ति का वाहन चोरी हो गया था, जो कि जिसमें लगभग 30 लाख रुपए का माल बताया जा रहा था। पर छोला पुलिस की सराहनीय तारीफ करनी होगी इस जगह के, तत्पर कार्रवाई करते हुए दो टीमें गठित की गई और 12 घंटे के अंदर वाहन को दरियाफ्त किया गया। इसमें बहुत प्रशंसा करना होगी खासतौर से छोला थाना प्रभारी की, जिनके नेतृत्व में जो दो टीमें गठित की गई थी, उन टीमों ने अपना काम तेज़ी से दिखाते हुए भोरी जोड़ पर ट्रक को दरियाफ्त किया। साथ ही ट्रक में मौजूद लगभग 30 लाख रुपए का जो सामान था वो भी पूरा रिकवर कराया जा चुका है। भोपाल से रिपोर्टर आदिल खान। जो कि ये ट्रक चोरी का मामला है, आपका ही, आप ही इसके मालिक हैं? हाँ। तो ये क्या घटना घटी थी कल? ये घटना कल गाड़ी ट्रांसपोर्ट से, मेरी राहुल कृष्णा ट्रांसपोर्ट से भरने के लिए भानपुर चौराहे पे आई थी। वहाँ से गाड़ी चादर लोड हुआ जी। दोनों गाड़ी साथ थी, एक और मेरा गांव की गाड़ी थी, दोनों साथ में खड़ी थी। जब मेरा इस गाड़ी का ड्राइवर उस गाड़ी में जाके खाना खा रहा था, उसी टाइम रात के 9 बजे नो एंट्री का इंतजार कर रहा था वो लोग कैसे भी करके, और जैसे वो 9:15 पे ये गाड़ी वहाँ से लेके रवाना हो गए। गाड़ी में, ये गाड़ी में दूसरी गाड़ी में खाना खा रहे थे उस टाइम का ये निकला हुआ। फिर हमने इतला करी, थाने में इतला करी, यहाँ से छोला थाने वाले हमारी फुल सपोर्ट करी। टी साहब भी गाड़ी लेकर, उनने दो टीम बनाई, एक टीम है तो उन्हें लाल घाटी तरफ गई, दूसरी टीम इधर बाईपास से होती हुई मुबारकपुर में जाके ढाबा पे गाड़ी, वहाँ जाके गाड़ी हाथ आई। तो ये जो गाड़ी चोरी हुई है, जो घटना हुई है, उस समय जो ड्राइवर दूसरी गाड़ी में था आपका, तो चाबी कहाँ से अरेंज की? उसके पास थी, कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई चाबी, हमारे ड्राइवर के पास हमारी गाड़ी की चाबी थी। अच्छा। उसके पास में जब उसकी तलाशी ली तो उसके पर्स भी निकला और 4-5 चाबियाँ निकली उसके पास। तो ये पूरा मतलब देखा जाए, मतलब आपका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उस ड्राइवर से? नहीं, उससे हमारा कोई संपर्क नहीं था, वो तो खुद रहता नहीं, बस गाड़ी यहाँ से ले जाने वाला था। अब उसका आगे का जो गिरोह है वो खुद बताएगा कौन था उसके साथ कौन नहीं था। गाड़ी इतना मान की चला रहा था वो, कि बाकी जैसे आम ड्राइवर चलाते नहीं, उससे अच्छी गाड़ी चला रहा था। हाँ जी, मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ, दोनों गाड़ी भर के साथ में खड़ी करी थी। ये गाड़ी मेरी आगे खड़ी थी, पीछे वाली गाड़ी में हम खाना बना के खा रहे थे, एकदम ये आए, हमको मालूम नहीं, गाड़ी स्टार्ट करके चल गई, हम भागे भी सही, हमारे हाथ में ये तेज रफ्तार से गाड़ी लेके चला, हमने गायब हो गए एकदम, गाड़ी उठता बंद हो गया। हमने थाने में आए, पुलिस वाले को इतला दी, साहब हमारी गाड़ी कौन लेके भागता है? बाकी पुलिस वालों ने, हमारे पीआई साहब ने, इनने गाड़ी इतला करके उनने गाड़ी का पीछा करा और गाड़ी ढूंढ के हमारे बाईपास से गाड़ी मिली। तो जैसा कि यहाँ गाड़ी के वाहन के मालिक भी यहाँ मौजूद है, जिनके द्वारा बताया गया है कि ड्राइवर जिस समय खाना खाने गया था उसी समय ये वाहन चोरी किया गया, और वाहन चोर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपराधी श्रेणी का ही लगता है, क्योंकि उसके पास पहले की 4-5 चाबियाँ मौजूद थी। एक्सपर्ट माना जा रहा है कि चाबी बनाने में एक्सपर्ट है, कि तुरंत किस तरीके से उसने गाड़ी का लॉक खोला और लॉक खोल के गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। तो ये भी एक अहम बात आ रही है, अभी पुलिस जानकारी में जुटी है और भी उससे जानकारियां ली जा रही हैं कि अभी तक ऐसे कितने वाहन उसके द्वारा चोरी किए गए हैं। आरोपी भोपाल का नहीं, कानपुर का बताया गया है। पुलिस की कहीं ना कहीं सराहना की जाएगी, क्योंकि इतनी तत्पर कार्रवाई करते हुए वाहन को मध्य प्रदेश राजधानी के अंदर ही दबोचा गया, तो ये भी एक सराहना करने वाली बात होगी। धन्यवाद। सर, थाना क्षेत्र में एक चोरी का मामला सामने आया था, जिसके चलते पुलिस ने तत्पर कार्रवाई की है, क्या क्या पूरा मामला रहा है सर? यादी सुनील के द्वारा थाने पे सूचना दी गई कि मेरा जो है भानपुर के पास से ट्रक चोरी चला गया था। पुलिस ने तुरंत जो है दो टीमें बना के भेजी गई, जिसमें एक क्षण में आज निजी वाहन से दोनों टीमों ने जा कर के अब ये इंदौर बाईपास मुबारक को जोर से ट्रक को बरामद किया है।
और ड्राइवर को साथ लेके थाने आए हैं। ड्राइवर पर कार्रवाई की जा रही है। कुल मसूल का लगभग 30,10,000 रुपये का बता रहा है फरियादी। सर कितने आरोपी पकड़ा है इस मामले? एक आरोपी है, वो भी कानपुर का रहने वाला है, राहुल। तो आरोपी का किसी तरीके कोई लिंक था पहले गाड़ी मालिक के साथ? यहाँ से तो कोई लिंक नहीं था, ना मालिक से था ना ड्राइवर से था। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे केकेआर न्यूज के साथ।